अस्सलाम वालेकुम हाँ जी सर, मेरी बेटी है तकरीबन 15 साल की। उसको यानी पैदाइशी ना थैलेसीमिया है और उसको महीने में 2 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। तो अब ये है कि मतलब वो तो उसको हो रही है, लेकिन ये है कि मुझे है कि मतलब कोई इस तरह का हो कि मतलब उसकी ज़रा सेहत भी अच्छी रहे और यानी ब्लड उसका इस तरह हो कि उसका बॉडी जो है ना खुद ही ब्लड बनाना शुरू करे। ये कितने अरसे से उसको ये बाय बर्थ ही था उसको, बाय बर्थ। हाँ जी। अच्छा। अब वो 15 साल की हो गई है और महीने में 2 दफ़ा तो पक्का। कितने नंबर की है वो बहन भाइयों में? वो 3rd नंबर की है। एक बेटा बड़े एक कौन है? एक बेटा है बेटी, वो दोनों ठीक है। वो बड़े पहले उबाशन कोई बात नहीं, नहीं कोई कुछ ऐसा के बाद दिगरे 3rd नंबर जी, हाँ जी। इसको मेरे पास लाना पड़ेगा या इसका इलाज तुम्हारे से होगा या उसकी पुफी से होगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये दो बहुत जबरदस्त हो जाते हैं क्योंकि अगर वो, कितनी उम्र है उसकी बेटे की? की बातचीत वो करती है बेटी की? हाँ जी, हाँ जी। वो आप कुछ दिन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ दिन उससे आप छिपकली मरवाएं उसकी। अच्छा, छिपकली देखे जी, उसको बोले बेटा ये मारो, इसको झाड़ू से मारो या उसको सिरिंज में डाल दें डिटोल, उसको बोलो इसको मारो, इससे भी ये ठीक हो जाती है बीमारी ये थैलेसीमिया की। हाँ अच्छा। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फजूल नहीं बताई, आपने फरमाया छिपकली को देखते ही मार दो जी। जिसको अल्लाह ना करे कैंसर हो ना जी, जी। वो छिपकली मारना शुरू करे अल्लाह उसको शिफा दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हम ये भला क्या हो गया जी, छिपकली मार दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लॉजिक क्या है इसमें? हैं, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज नहीं पैदा की। अल्लाह फरमाते हैं ना, अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसुम अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुमने क्या समझ रखा है कि ये सारी जो मैंने जो पैदा की ऐसे ही पैदा कर दिया? अल्लाह हू अकबर।